आज की कहानी जीवन का कटु सत्य है, क्योंकि जो होना है वो होना ही है। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिवजी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटे सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर सी चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे वो। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी है। गरुड़ समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहेगा। इसलिए दोस्तों, जीवन के ये 6 सत्य हमेशा याद रखें। पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर ही लेते हैं। दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। तीसरा, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो मगर आने वाले कल को आप देख नहीं सकते। चौथा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। पांचवा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। छठा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल कर चलिए, जिंदगी का सफर छोटा है, हंसते हंसते काटिए, आनंद आएगा। और अंत में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि क्या जो होना है वो होके ही रहेगा। एक माचिस की तिल्ली, एक घी का लोटा, लकड़ियों के ढेर पे कुछ घट्टे में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुख बुघाट तो कहीं फुसफुसाहट, अरे जल्दी ले जाओ, कौन रखेगा सारी रात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद नीचे देखा, नजारे नजर आ रहे थे, मेरी मौत पे कुछ लोग जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती रो रहे थे। नहीं रहा चला गया, 4 दिन करेंगे बात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा अच्छी तस्वीर बनवाएगा, सामने अगरबत्ती जलाएगा, खुशबूदार फूलों की माला होगी, अखबार में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि होगी, बाद में उस तस्वीर पे जाले भी कौन करेगा साफ, बस इतनी सी है आदमी की औकात। जिंदगी भर मेरा 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 किया, अपने लिए कम अपनों के लिए ज्यादा जिया, कोई ना देगा साथ जाएगा खाली हाथ, क्या तिनका ले जाने की भी है हमारी औकात। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा औरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिनसे उन्हें भी पता चल सके कि जो होना है वो होके ही रहेगा। धन्यवाद।